क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम को। तो पहला आज हम फाइलम जो पढ़ रहे हैं वो है प्लैटेहेल्मिन्थीस। सो प्लैटेहेल्मिन्थीस का मेन कैरेक्टर की अगर हम बात करें, सो जो जितने भी एनिमल्स हैं जो प्लैटेहेल्मिन्थीस होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है। प्रॉपर एक फ्लैट बॉडी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। डॉर्सो वेंट्रल यानी कि जो बॉडी का फ्रंट का फेज होता है एंड बैक साइज है, जो बैक फेज है वो दोनों ही बॉडी बहुत फ्लैट होती है। अभी मैं इसका आपको डायग्राम बना दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि फ्लैट यहाँ पे हम किस लिए बोल रहे हैं। फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इन्हें फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। मोस्टली कैसे होते हैं, दे आर द इंडोपैरासाइट्स। इंडोपैरासाइट्स मतलब जो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर जितने भी अदर कुछ अदर एनिमल्स हैं लाइक कैट, डॉग एंड सम अदर कैटल्स, उनके अंदर ये एज अ इंडो पैरासाइट रहते हैं। मतलब उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर उनके बॉडी पार्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं एंड उन बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करते हैं। मेनली इंटेस्टाइनल रीजन्स में वहाँ पर रहते हैं ताकि उन्हें फूड सब चीज़ें वहाँ से मिल सकें। प्लेटफॉर्म आर बाइलेटरल सिमेट्री होती है यहाँ पर। इसके प्रीवियस जो हमने क्लास सिलेंट्रेटा या स्नेटोफोरा पढ़ा उसमें रेडियल सिमेट्री थी एंड उसके भी पहले जो कि हमारे स्पॉन्जेस थे वहाँ पर किसी तरह की सिमेट्री नहीं देखी गई थी। ठीक है, अब जो ये सिमेट्री स्टार्ट हुई दैट इज़ बाइलेटरल सिमेट्री एंड आगे जितने भी आप क्लास पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे, उन सब में बायलेटरल सिमेट्री होगी। वही दूसरी तरफ ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके प्रीवियस आपने जो दो क्लास पढ़े सिलेंड्रेटा एंड स्नेटोफोरा वहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक थे, है ना। सो यहाँ पर अब ट्रिप्लोब्लास्टिक सेल्स का स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर हम सिग्लोम्स की बात करें, सो इसके पैवर प्रीवियस आपने सिलोमीट्स के बारे में नहीं देखा था, बट यहाँ से जितने भी एनिमल्स हैं वो ए सिलोमीट्स होते हैं। ए सिलोमीट्स इन द सेंस ये वाली क्लास, हम प्लैटेहेल्मिन्थीस की बात करें तो प्लैटेहेल्मिन्थीस ए सिलोमीट होते हैं, यानी कि जो उनकी आउटर बॉडी वॉल है, उनकी जो गट वॉल होती है, उनके बीच में किसी भी तरह की एक कैविटी गैप हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके प्रीवियस फर्स्ट क्लास यानी पोरीफेरा, जिसमें क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सिलेंट्रेटा एंड सिनाटोफोरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड फ्रॉम इन दिस क्लास यानी प्लैटेहेल्मिन्थीस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक सीरीज वाइज आपको याद करते रहना है, जिससे आपको हर एक ग्रुप के, हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रहेंगे और आपको ईजी भी रहेगा लर्न करने में। ओके, अनदर एग्जाम्पल्स या अनदर प्रॉपर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, यानी कि जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर कुछ हुक्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इन हुक्स का यूज़ करके ये क्या करते हैं, पैरासाइट फॉर्म्स में होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म्स में होते हैं, बिकॉज ये किसी और की बॉडी के ऊपर रहेंगे एंड उनसे फूड मटेरियल लेंगे। सो उनसे फूड मटेरियल को टेक करने के लिए उनके पास सकर्स होते हैं जिनसे वो सक कर सकते हैं जो भी फूड मटेरियल या फिर न्यूट्रिशन है। सम ऑल्सो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सकर्स प्रॉपर नहीं होते, तो उनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो उन बॉडी सरफेस के थ्रू डायरेक्टली न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व कर सकते हैं। उनकी बॉडी पर जब भी न्यूट्रिशंस आएंगे या न्यूट्रिशंस के पास जाकर वो उसे अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही अब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर मेन बोला जाए तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद होती हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। एंड इन फ्लेम सेल्स का यूज़ करके ये क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के प्रोसेस करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी में जो इनके फ्लूड है या बॉडी फ्लूड एंड जिस भी इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाए रखना, मतलब अपनी बॉडी फ्लूड एंड आउटर इन्वायरमेंट के बीच में बैलेंस बनाए रखने का काम, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। ये और एक्सक्रीशन यानी कि उनकी बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर एक्सक्रीट करने का भी काम, दोनों ही बाय द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स किया जाता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा फाइलम है जहाँ पर ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेम सेल्स होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि प्लैटेहेल्मिन्थीस जो एनिमल्स हैं उनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। एंड ऑल्सो ये हेल्प करती है ना ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में।
नेक्स्ट हम बात करें सेक्सेस की, तो सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, सेक्स यहाँ पर भी सेपरेटेड नहीं है, यानी हर्मापोडाइट है या फिर मोनोसिक डाइकसिकस है, यहाँ पर मोनोसिकस होते हैं और एनिमल्स यानी कि मेल एंड फीमेल एक ही पे मौजूद होंगे। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, स्पर्म एंड ओवम के जो फ्यूजन हो रहा है फिर जायगोट जो गैमेट्स हैं उनके बीच में जो फ्यूजन होता है वो इंटरनल ही होता है। एंड दे ऑल्सो डेवलप अ डिफरेंट मैनी लार्वल स्टेज, सो मैनी लार्वल स्टेज हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे पहले एग का फॉर्मेशन होगा, देन छोटी सी लार्वल स्टेज बनेगी, देन उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी एंड देन इस तरीके से करके एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर लार्वल स्टेज पाई जाती है। कुछ ऐसे भी मेम्बर्स हैं लाइक प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। आपने क्लास 10th के इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि इसमें क्या होता है, हम इसकी बॉडी को अगर कट कर दें, ठीक है, अगर इसकी बॉडी को अगर हम कट कर देते हैं अलग अलग रीजंस उसके बना देते हैं, तो इसकी जो बॉडी के जो अलग अलग रीज़न है ये क्या करते हैं अपनी बॉडी को कंप्लीट कर लेते हैं। रीजनरेशन की पावर इनके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है इन बॉडी के अंदर कि वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं रीजन। जैसे यहाँ पर मैंने दो पार्ट इनके कर दिए, उनको मैं अलग अलग अगर कर दूँ तो ये प्रॉपर वापस अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। सो दैट इज़ द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लेन एरिया। और प्लेन एरिया आपको ध्यान रखना है कि ये किस क्लास में आता है, इट्स कम इन द प्लैटेहेल में थीज। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप इज टेरिया यानी टेप वर्म, ये बहुत टेप लाइक स्ट्रक्चर, बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। एंड फेशियोला यानी लीवर फ्लूक, सीन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, ये बना हुआ है, ये जो ये बना हुआ है दैट इज़ अ टेप वर्म, जैसे आपको दिखाई, मैं फर्स्ट मैंने कहा था कि हम फ्लैट सेंस को देखेंगे, तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसको, आपको बहुत फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत पतला सा फ्लैट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये भी ऑल्सो फ्लैट है, ये बहुत डॉर्सल वेंट्रल साइड से बस इतना ही है, कुछ भी पार्ट जो है वो आपको अलग से नहीं दिखाई देगा, एक फ्लैट स्ट्रक्चर में सारी चीज़ दिखाई देती है। ये टेप वर्म है बिकॉज ये बहुत लंबा सा टेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सो टेप वर्म है। एंड ये लिवर फ्लिक का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटवर्म, जैसे आप देख रही हैं बॉडी कितनी फ्लैट है इसकी, एक फ्लैट बॉडी है आपको दिखाई दे रहा होगा, डॉर्सल वेंट्रल साइड से एक जस्ट फ्लैट स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, कुछ भी अदर एज अ ऑर्गन यहाँ पे समझ में नहीं आते, टोटल फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ लीवर फ्लूक, जैसे आपने लीवर फ्लूक देखा तो ये एग्जाम्पल है उस। सो आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे प्लैटेहेल्मिन्थीज के, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि बॉडी स्ट्रक्चर बहुत फ्लैट होता है उनका। ओके, नेक्स्ट हम क्लास को जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एसके हेल्मिन्थीज। सो एसके हेल्मिन्थीज के कैरेक्टर बॉडी यहाँ पर जो होती है, दे आर द, अगर उनका हम क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन इन द सेंस बेटा, अगर ये हमारे पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है, अब आप इसको यहाँ से कट कीजिए, कहीं से भी कट कीजिए, तो आपको जब आप कट करेंगे उन्हें क्रॉस करेंगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट, एक टॉप के साइड पे एक ऐसा सर्कल दिखाई देगा और नीचे की तरफ जो भी आपने पोर्शन कट किया, राइट, जैसे आप ट्री होती है स्टेम होती है, जो स्टेम होता है स्टेम को आप अगर बीच से कट कर देते हो ये अलग हो जाता है, तो इसका ऊपर का रीजन आपको कैसे दिखाई देता है, राउंड राउंड दिखता है, एंड जो भी आपने कट किया वो भी राउंड आपको दिखता है ना, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है कि अगर हम इन एनिमल्स को का क्रॉस सेक्शन काटें सो वहाँ पर हमको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, एंड इन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से इन्हें राउंड वर्म्स कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग या इन फ्री इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, बट देयर आर सम ऑल्सो जो पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल्स के ऊपर उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनसे अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें बाय द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, सो यहाँ से जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा, एंड जो धीरे धीरे क्या होगा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जो हमने प्रीवियस पढ़ा प्लैटेहेल्मिन्थीज में वहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जस्ट वही एक क्लास ऐसी है जहाँ पर हमने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास थी यानी पोरीफेरा, वहाँ पर आपने क्या देखा था कि वहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, देन सिलेंट्रेटास एंड सिनेटोफोरास में हमने वहाँ पर जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो देखा, एंड जो प्लैटेहेल्मिन्थीज है दैट्स वहाँ पर जो क्लास है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड फ्रॉम द एसके हेल्मिन्थीज टू द हायर एनिमल्स हमने वहाँ पर
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सो एटलीस्ट इससे आपको हर एक क्लास का एक कैरेक्टर बहुत ईजली तरीके से याद रहेगा, बस आपको उसे कोरिलेट करके चलना है। नेक्स्ट अगर हम सिमेट्री की बात करें, सो दे आर बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी यानी बॉडी को जस्ट आप एक ही किसी प्लेन से काटेंगे देन वो आपको इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड होते हुए मिलेगा। इसके प्रीवियस प्लैटेहेल्मिंथी से ही बायलैटरल सिमेट्री थी, है ना, उसको हम रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ट्रिप्लोब्लास्ट था, तो अब मैंने आपको जैसे बोला था कि अब तो जितने भी हायर क्लासेज होंगी सब में ट्रिप्लोब्लास्ट ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड सिलोमेट्स यहाँ पर चेंज है, तो वहाँ पर जो सिलोमेट्स है वो कैसे है, स्यूडो सिलोमेट्स है। स्यूडो सिलोमेट्स आपको याद होगा कि जो इनर वॉल है यानी कि आउटर एंडोडर्म एंड बीच में ये एक्टोडर्म एंड बीच में एंडोडर्म एंड जो मीजोडर्म है वो कुछ स्मॉल स्मॉल पैचेस में चेंज हो जाती हैं एंड इसी पैचेस की वजह से उन्हें क्या बोलते हैं, स्यूडो सिलोमेट्स यानी फॉल्स सिलोमेट्स यानी फॉल्स कैविटी वहाँ पे होती है। एक प्रॉपर कैविटी तो नहीं है बट यस ऑफकोर्स कुछ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से हम उन्हें स्यूडो सिलोमेट्स एनिमल्स बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर प्रॉपर वेल डेवलप है, एक डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ पर मौजूद होता है और एक वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर पाई जाती है। एंड एज अ एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी जो उसकी एक जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव करने के लिए वहाँ पर एक स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, जिससे के थ्रू जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनकी बॉडी में बनता है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। सेक्स आर सेपरेटेड, यहाँ सेक्स टोटली सेपरेट है, अलग अलग है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं जिन्हें आप प्रॉपरली पहचान भी सकते हैं, जो पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस में यानी कि नीट के एग्जामिनेशन में, ऑल्सो एग्जामिनेशन में वाइवा जो होता है वहाँ पर ये पूछा भी जाता है कि अगर दो हम अर्थवर्म ला के या फिर स्कैरिस ला के आपके सामने रख दें तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, जस्ट बाहर से आपको बस एक्सटर्नल फीचर पे अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई करना हो तो आप उन्हें कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो ऑफ्टन बड़ी होती हैं या फिर लंबी होती हैं कंपेरिजन ऑफ मेल्स। सो फर्स्ट एक एक्सटर्नल फीचर आपको यहीं से देखने को मिलता है कि अगर स्कैरिस तो कहीं एक साथ रखे हैं तो आप बहुत इजीली जो भी लॉन्ग है उसे आप फीमेल बता सकते हैं एंड जो शॉर्ट है वो मेल होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये है क्या है, ये मेल है जो कि शॉर्ट है और ये फीमेल जो कि उसकी कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है। सो जिसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल स्कैरिस और एस्केहेल्मिंथीस। ऑल्सो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही होता है। एंड डेवलपमेंट जो है यहाँ पर दो तरीके से होता है, या तो डायरेक्ट भी होता है यानी कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जहाँ पर डेवलपमेंट यंग वंस जो भी यंग वंस बन रहे हैं उन यंग वंस से डायरेक्ट एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इनडायरेक्ट भी होता है यानी कि पहले यंग वंस एग लाइक स्ट्रक्चर देन लार्वल स्ट्रक्चर एंड देन लार्वा के बाद वहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं स्कैरिस यानी कि राउंड वर्म, वुसेरिया यानी कि फेरिया वर्म एंड एनस्लाइटोटोमा यानी कि हुक वर्म। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एस्केहेल्मिंथीस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्केहेल्मिंथीस, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से होते हैं। आप इनकी बॉडी को काटेंगे तो आपको वहाँ पर लेगल स्ट्रक्चर मिलेगा, ये इस तरह इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, सेलुलर लेवल में होते हैं ये हुक जिनके थ्रू वो इंटेस्टाइन से फूड को टेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से आपको एक लॉन्ग और एक शॉर्ट बहुत ईजली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास को जो कि है एनेलिडा। एनेलिडा मेनली ये जो एनिमल्स होते हैं दे आर एक्वाटिक। अभी तक जो भी आपने एनिमल्स पढ़े थे वो एक्वाटिक थे, यस जो हमारे प्लैटिहेल्मिंथीज एस्केहेल्मिंथीज होते हैं दे आर पैरासिटिक इन नेचर, पैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव भी करते हैं बट दे आर ऑल्सो एक्वेटिक। सो दोनों ही चीज़ों में आते हैं। सो मेनली यहाँ पर जो एनिमल्स की बात करें तो वो एक्वेटिक नेचर की ही हैं, मरीन या फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री विल लिविंग एंड सम आर पैरासिटिक। सो आपको यहाँ पर समझ में आया कि हर एक जगह पर यानी कि एक्वेटिक रीजन में भी मौजूद होते हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन में भी मौजूद होते हैं एंड सम पैरासाइट्स के फॉर्म में भी होते हैं। ऑर्गन लेवल की बात करें यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब जितने भी एनिमल्स होंगे उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। बायलैटरल सिमेट्री एंड ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्ट, तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स जो हैं वो सबके में कॉमन मिल रहे होंगे, कॉमन इन द सेंस कि उनमें एक रिलेशन करते हुए आप सारे फीचर्स को याद कर सकते हो।
नेक्स्ट जो बात है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वो क्या है कि इनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं। आपको याद है कि हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन या एक ऐसे ये भी पढ़ा था कि सेगमेंटेशन होता है वहाँ पर, जिनमें उनकी बॉडी एक छोटे 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 सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, एंड उन सेगमेंट्स के थ्रू वहाँ पर सेगमेंटेशन एक टर्म दिया गया था। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं दे आर सेगमेंटेटेड, उनकी बॉडी स्मॉल सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, एंड दे आर द सिलोमेट्स। सिलोमेट्स यानी कि उनकी बॉडी में जो कैविटी है वो मौजूद होती है बिटवीन द देयर वॉल एंड गट वॉल, यानी कि जो आउटर बॉडी वॉल है उनकी जो ब्रेन की गट वॉल होती है उनके बीच में कैविटी है, जिसकी वजह से वो सिलोमेट होते हैं एंड ऑल्सो सेगमेंटेड भी होते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखे वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी में जो मार्क किया जाए कि इनकी बॉडी को हम किस तरीके से डिफरेंट समझ सकते हैं कि ये एक अलग क्लास है, तो वो जो डिफरेंस मार्क है उनका वो सेगमेंट्स ही हैं, यानी सेगमेंट से या मेटामॉर्फ से आप प्रॉपर अलग कर सकते हो, प्रॉपर बहुत इजीली तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि यस ये जितने भी एनिमल्स जो भी आप देख रहे हैं दिस ऑल आर द बिलोंग टू दैट ग्रुप एनेलिडास। एनेलिडास में भी है जो ग्रुप है इसको एनेलिडा एक्चुअली हम बोल क्यों रहे हैं, बिकॉज जो एनेलिडा है वो आया है लैटिन वर्ड से जिसका नाम जिसको जो वर्ड कौन सा है एनेलॉगस। एनेलॉगस मतलब क्या होता है, स्मॉल स्मॉल रिंग, एक छोटी 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 सी रिंग्स आपस में जुड़ती जा रही हैं एंड उनसे एक एनिमल्स बनता है। सो इस रिंग्स की वजह से एनेलिडास की वजह से इन्हें हम एनेलिडास कहते हैं। ऑल्सो जो ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मोशन है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मोशन्स में यहाँ पे मसल्स लगी हुई थी हैं जो इन्हें क्या करती हैं, लोको मोशन में या फिर मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ऑल्सो कुछ ऐसे भी एनिमल्स तो मैंने अभी बताया आपको कि इनमें क्या होती है, बॉडी में रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जैसे एक सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट्स के थ्रू ये चीज़ें मिलती हैं। वहीं लोकोमोशंस के लिए इनमें लॉन्गिट्यूडनल सिग्नल्स और सर्कुलर मसल्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉपर लोकोमोशन कर सकते हैं। एक्वाटिक एनलिड्स यानी कि कुछ ऐसे एनलिड्स होते हैं जो वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज ये मैंने जैसे आपको बताया कि वाटर में भी टेरेस्ट्रियल हर जगह मौजूद होते हैं, तो जो वाटर में सर्वाइव करते हैं उनमें इस तरीके के अपेंडिक्स मौजूद होते हैं, एंड इन अपेंडिक्स के थ्रू वो वाटर में क्या करते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं। तो इन अपेंडिक्स को क्या बोला जाता है, पैरापोडिया, एंड इन पैरापोडिया की वजह से ये फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से स्विम कर सकते हैं। आपको पैरापोडिया भी कुछ इस तरीके से पैरापोडिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर राउंड जो बॉडी के लेटरल साइड में लगे हुए पैरापोडिया होते हैं, ठीक है, नरिस में जो पैरापोडिया लगे हैं जिनके थ्रू ये वाटर में बहुत ईजिली स्विम कर सकते हैं। ऑल्सो दे हैव अ क्लोज सर्कुलर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको याद आ रहा होगा क्लोज सम का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेन है जो हार्ड है इनके अंदर जो ब्लड पंप कर रहा है वो कहाँ पंप कर रहा होता है, वो इन अ वेन्स एंड आर्टरी में जब उन्हें हम ब्लड को वो पंप कर रहा होता है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। ऑल्सो दे हैव अ वेरी स्पेशल ऑर्गेन जिसकी वजह से भी ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे अभी आपने ब्लैटर हेलमेंथिस पढ़ा था तो वहाँ पर फ्लेम सेल्स थी जो उन्हें हेल्प करती है इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, वैसे ही इन दिस क्लास यानी एनेलिडास में भी एक अलग तरीके के स्पेशल ऑर्गेन मौजूद होते हैं जिन्हें हम नेफ्रीडिया कहते हैं, एंड देयर नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये अक्सर पूछे जाते हैं बेटा, आपको फ्लेम सेल्स एंड नेफ्रीडिया में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो नेफ्रीडिया है वो हमारे एनेलिड्स के अंदर होते हैं, इनमें जो फ्लेम सेल्स हैं वो प्लेटर हेलमेंथिस के अंदर होती हैं। ऑल्सो दे हैव अ न्यूरल सिस्टम, एक न्यूरॉन्स का बना हुआ सिस्टम भी इनकी बॉडी में मौजूद होता है। इनकी बॉडी की अगर आप टीएस काट के देखें तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि लाइक देयर ये बॉडी है, इनकी बॉडी से एक इस तरीके से नर्वस सिस्टम जाता है जो कि हर एक ऑर्गन से जो कि इसके साइड में लगा हुआ है उनसे वो अटैच होता है, एंड द लास्ट हेड पोर्शन पे यहाँ पर टू गैंग्लियंस मौजूद होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर एक न्यूरल सिस्टम प्रॉपर है जो कि लेटरली हर एक नर्व एक वेंट्रो नर्व कॉर्ड्स के थ्रू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यानी इस तरफ साइड और बैक साइड में भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, एंड वो कंप्लीट बॉडी को कवर करते हुए वहाँ पर होती है, एंड एट द हेड रीजन वहाँ पर गैंग्लिया मौजूद होता है। सो ऑल्सो यहाँ पे ये बताया गया कि जो नरस है वो एक्वेटिक फॉर्म में रहता है, एंड ऑल्सो कैसे होता है डायफिकस होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल क्या होंगे एक ही बॉडी पर मौजूद होंगे, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं डायफिकस इन द सेंस मैंने भी गलत बोल दिया, जो मेल फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग वहाँ पे मौजूद है, मेल अलग है
फीमेल अलग है। एंड वहीं अर्थवर्म क्या होते हैं, लीचेस क्या होते हैं, दे आर मोनोसिकस, यहाँ पर क्या होते हैं सोनेरिस, यहाँ पर क्या होते हैं नेरिस आर द डायथिकस, एंड जो अर्थवर्म होते हैं लीचेस होते हैं दे आर द मोनोसिकस, यानी कि मोनोसिकस यानी मेल फीमेल अलग अलग, डायथिकस यानी एक में मौजूद होते हैं। ऑल्सो यहाँ पर रिप्रोडक्शन है वो किसके जैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेरिस यहाँ पर है, फेरिटिमा यहाँ पर, फेरिटिमा यानी कि अर्थवर्म, फेरिटिमा प्रोस्थोमा जो साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का, एंड और नेक्स्ट है हीरेडिनुरिया यानी कि ब्लड सकर स्लीच, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एनिलिड्स। यू कैन ऑल्सो सी सम पिक्चर्स ऑफ एनिलिड्स, ये आपको यहाँ पर इनकी बॉडी में प्रॉपर सेगमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सेगमेंट्स सी, ये सेगमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ओके, दिस ऑल्सो अ स्पेशल फीचर जहाँ पे बॉडी पे एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है, एंड देन प्रॉपर सेगमेंट सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे, दीज आर द सेगमेंट जिसकी वजह से इनको एक अलग, इन सेगमेंट्स की वजह से, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लीचेस, अभी आप अर्थवर्म देख रहे थे, ये एग्जाम्पल किसके, लीच के हैं जो कि क्या करता है बॉडी से ब्लड तक कर सकता है।